राम राम भाई सबको। दोस्तों ये मेरा YouTube चैनल, अब इस पर मैं बिग बॉस के रिव्यू दिया करूंगा। हर एपिसोड के बाद अपने विचार रखा करूंगा आप लोगों के सामने, कौन कैसा है क्या नहीं है वो सारा कुछ बताया करूंगा, या मतलब कौन कैसा खेलता है क्या ऐसा नहीं खेलता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या है वो आप डिसाइड करना, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरी चीज एक और, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो शायद उनको ये सब कुछ पसंद नहीं आई, या मतलब क्योंकि वो बिग बॉस के इतने फैन भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बीच बीच में टाइम टाइम पे कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस बिग बॉस, ओनली बिग बॉस, बिग बॉस 17। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास में दो कपल आए, अंकिता और विक्की, ऐश्वर्या और नील, ये अपने पास में दो कपल आए जिनको हम कपल की काउंटिंग में रखते हैं। अंकिता और विक्की, विक्की डफर गए, पता नहीं कैसा बिजनेसमैन है या जो भी करता है वो एकदम डफर गए, बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, इतना है नहीं, तो मेरे हिसाब से वो जीरो कैंसल। अंकिता डेफिनेटली अभी तक खुल के नहीं आई है, वो बोलती भी है कि मैं अभी मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, मैं बाद में अपनी मेरी पर्सनैलिटी निकल के आएगी या मैं जो भी हूँ। सेम कंडीशन रश्मि देसाई के साथ हम देख चुके हैं, तो अंकिता को भी मतलब मैं उतना मानता नहीं। और अभी उसमें वो पुराने वाली वो क्या नाम था उसका, वो कौन सा पवित्र रिश्ता में वो शो था उसका, उसके लेवल की नहीं है अभी वो, तो उसका ज़्यादा दिन की है नहीं वो, लेकिन बिग बॉस सपोर्ट करेगा उसको ये पक्का है, ये बिग बॉस के फेम में लिख देते हैं। तीसरा वो दूसरा कपल आता है फिर आपका ऐश्वर्या और नील। ऐश्वर्या नील का ऐसा है जी, ऐश्वर्या सही लड़की है, बढ़िया खेलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो वो गेम खेल गया ये कौन सा वाला खतरों के खिलाड़ी, दूसरा ऐश्वर्या मुझे लगती भी जेनून है क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही रखती है और थोड़ी एटीट्यूड वाली बंदी भी है। नील मुझे बहुत जेनून लगता है, नील अगर डाउन हुआ तो ऐश्वर्या की वजह से हुआ, क्योंकि मियां बीवी एक साथ एडजस्ट शायद ना कर पाए, या मतलब उस लेवल पे वो और किसी बड़े के साथ में फ्रेंडशिप ना दिखा पाए नील, वो एक मैटर हो सकता है, अदरवाइज नील अच्छा खेलेगा। ये दोनों पास हैं जी। तीसरा कपल कह सकते हैं या मतलब दोस्त कह सकते हैं, अभिषेक और ईशा। मैं ये बात लिखित में दे सकता हूं आप लोगों को, अभिषेक और ईशा, ईशा को बिग बॉस खींचेगा क्योंकि लाइमलाइट उसको भी चाहिए और जरूरी भी है शो के लिए, लेकिन अभिषेक टू कॉपी सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहा है। भाई अपना गेम खेल, जब बिग बॉस ने बोल रखा है कि 16 सीजन में हम सब लोग वो देख चुके हैं, अभी हमको कुछ नया देखना है, ये सब नहीं देखना, तो भाई अपना गेम खेल बिल्कुल मत करे, सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश मत करे, ना तू बन पाएगा ना तू हो सकता, या तू सिद्धार्थ शुक्ला और सहनाज गिल तुम लोग जो बाहर से प्लानिंग करके आए हो वो बनने की कोशिश कर रहे हो, वो तो तुम नहीं बन पाओगे, तो पक्का है, ये तो मैं लेटर में दे सकता हूं कि आप लोग नहीं बन सकते हो, आप लोग टीना दत्ता और शालिन भनोट बन जाओगे, टीना दत्ता बन जाओगे, आप लोग का कैरियर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, तो अपने ढंग से खेल ले, अपने जेनुअन खेल ले, ऐसे ही ड्रामा गमंती मत करे, और तेरे को तो घर में नया नाम भी मिल गया बंदर, तो तू है बंदर, एक्चुअल में बंदर है तू, बाहर होता ना भाई साहब इतना पिटता, तेरे को बता रहा हूँ कोई बंदर तेरे को पंजाब में घुस के मारेगा, उस लेवल का पिटता। खैर छोड़ अपने को, क्या सबसे पहले मेरे ख्याल से यही निकलेगा, देखना मेरी बात को नोट कर लेना, ये सबसे पहले अभिषेक निकलेगा, क्योंकि बिग बॉस तेरे को मना कर रहा है ना कि 16 सीजन से वो सब लोग उसने देख लिया सारा कुछ, उसने ये सारे ऊल झूल पुरानी घिसी पिटी बातें बोली उसने, ये सारी बातें हम भी पक चुके हैं और ऑडियंस भी पक चुकी है और बिग बॉस वाले भी पक चुके हैं, वो सब हो चुका है, कुछ नया ला कुछ नया नहीं ला सकता, कोई बात नहीं है, अपनी रियल लाइफ जी, ये रियल लाइफ का गेम है, तू नहीं जी सकता तो भाई बंद कर दे अपना, आराम से अपना बाहर निकल, पहले अस्सी बाहर निकल अपना घर चला जा, इतनी लड़कियों पे एग्रेशन दिखा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तू सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बन सकता मेरे भाई, तू लिमिट में रह। ईशा मैंने बताया लाइमलाइट है तो बिग बॉस उसको भी आगे खींचेगा, ठीक है। फिर आती है जिगना जी, मेरे ख्याल से जो क्रिमिनल लॉयर, वो क्रिमिनल लॉयर नहीं मतलब उनको कोई मर्डर केस है, क्रिमिनल वो रिपोर्टर हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक है, पर एक एज है तो मेरे ख्याल से वो नहीं इतना आगे तक मेरे को दिखता नहीं उनका फ्यूचर, खैर जो भी है। अगली है लॉयर, दिमाग वाले कमरे में गई हैं और लॉयर अपना दिमाग चलाएंगी, लेकिन मेरे को उनकी वो फैन बेस इतनी तगड़ी नहीं लगती, या मतलब उनका भी फैन बेस ही, वो उनकी पर्सनैलिटी भी दो दिन में खुल के नहीं आ रही हैं, जो भी है तो उनका भी मेरे हिसाब से डम, मतलब डम तो नहीं बोल सकते, उनको भी मतलब
एक एवरेज है, जिगना जी भी और लॉयर जो है वो क्या नाम उनका सना, वो दोनों एक एवरेज है। तीसरी आती है सोनिया, सोनिया भी अभी थोड़ा निकलने की कोशिश कर रही है, अपने बेस में बोल रही हैं, या मतलब के अभिषेक से झगड़ा भी हुआ रिसेंटली, लेकिन सोनिया जी भी मुझे नहीं लगता उनमें पोटेंशियल है कि वो जीत सकते हैं, नहीं टॉप फाइव में नहीं लगता मेरे को। खानजादी, खानजादी लाइमलाइट ले जाएगी या जो भी करेगी, थोड़ा बहुत कुछ दिन, दो चार हफ्ते, पाँच हफ्ते, छः हफ्ते, एक महीने निकल जाएगी, अदरवाइज खानजादी भी ज़्यादा नहीं चलने वाली, ये भी नोट कर लो। चलेगी अंकिता, चलेगी बिग बॉस के सपोर्ट से, एक पहला नोट कर लो आप, सबसे पहले अंकिता एक हो गया, दूसरी हो गई आपकी नील, अच्छा खेलेगा, पता नहीं कि भगवान जाने कब होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं टॉप फाइव बताऊंगा, टॉप फाइव में आपको बताऊंगा, उनके अलावा कोई जो निकल आए तो मेरे को बोल देना। अंकिता हो गई एक, तो ईशा को भी नहीं लगती हम, ईशा को भी हम लास्ट में जाकर निकाल भी सकते हैं, पर ईशा को सपोर्ट करेंगे ये लोग इसलिए क्योंकि वो है कलर्स का फेस है, ये सब पार्शलिटी वाली बात नहीं है भाई, हर सीजन में पार्शलिटी होती है, हर सीजन में फेवरेटिज्म होता है, कलर्स वाले का चेहरा नहीं बिगाड़ा जाता, और बिग बॉस के हाथ में होता है, कोई कितना भी अच्छा खेले कितना भी बुरा खेले, बिग बॉस के हाथ में होता है किसकी रेपुटेशन डाउन करनी है, किसकी किसको चढ़ाना है वो ऊपर करना है। सिद्धार्थ शुक्ला का मैं बहुत तगड़ा फैन रहा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला की एक्चुअल में वो उस बंदे की तो खैर बात ही अलग थी, तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत नहीं था, समटाइम्स होता होगा, लेकिन उसको बिग बॉस भी इतना मतलब चढ़ाते नहीं थे लगते देख। फिर आते हैं अपन लोग शुरू करते हैं, और फिर खानजादी के बाद में रिंकू, रिंकू धवन, रिंकू धवन दूसरा नाम लिख लो जी, रिंकू धवन डेफिनेटली इस चेहरे को बिग बॉस बहुत ऊपर तक ले जाएगा, पूजा भट्ट की तरह इसको भी हेल्प करेगा आगे तक पहुंचने में, ये भी लिख लो। तो टॉप फाइव में रिंकू धवन भी, धवन को भी लेके चलो, ये लिख लो आप, डेफिनेटली लेके चलो, दिमाग वाले घर में जो भी उनकी टीम ने बाहर से बोला वो कुछ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से गए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ लोगों अपने मन से गए, कुछ लोगों को समझाया है, ठीक है। तो रिंकू जी को भी लिख लो, दो हो गए जी। अब आते हैं तीसरा मनारा, मनारा को लग रहा था ऐसा मैं बिग बॉस ऐसा शो करना चाह रहे हैं, मनारा को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे बिग बॉस मनारा को, मनारा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत तगड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, केवल उस पर टैग है बुआ की लड़की है जी, प्रियंका चोपड़ा की, परिणीति चोपड़ा की कजिन है, ये फलाना ढिमका, बस अदरवाइज कुछ नहीं है। साउथ की मूवीज में काम करती है, बॉलीवुड में चल नहीं पाई, फ्लॉप एक्ट्रेस है, कोई मतलब नहीं है। साउथ दिल्ली वो लड़की वाली उनमें एटीट्यूड है, तो ईशा ने एक बार बोल भी दिया था शायद, तो है नहीं उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पर लड़की वैसे ठीक है, जेन्युइन लगती है मेरे को, लेकिन आगे तक नहीं जाएगी ये पक्का है, ये बहुत आगे तक नहीं जाएगी, टॉप फाइव में नहीं जाएगी, बाकी आगे तक जाएगी। नेक्स्ट है आपका नावेद, नावेद को भी टॉप फाइव में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन नावेद को भी एक महीने से ज़्यादा टिकाएंगे, ये भी नोट कर लो आप, क्योंकि फॉरन को भी तो उनको व्यूअरशिप चाहिए भैया, फॉरन का भी चाहिए इनको, हर सीजन में पिछले तीन चार सीजन से लगातार लेके आ रहे हैं एक एक फॉरन, अब्दू रोजे का आया, और तुम्हारा फिर वो जैद हबीब आया, ये अपना ये अब नावेद आ गया, लेके आते रहते हैं, ठीक है। फिर आया अपना अरुण, अरुण में मेरे को पेशेंस लगा था कि अरुण कुछ खेलेगा, और उसको सपोर्ट भी है तेलंगाना, मतलब साउथ से उसको सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, अरुण को साउथ से अच्छा अच्छा सपोर्ट है, और नॉर्थ में वो अरुण हंसा रहा है, नो डाउट नॉर्थ के लोगों को अरुण हंसा रहा है, एंटरटेन कर रहा है अपनी बातों से, घर में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा वो अलग मैटर, हो गया या मतलब वो है टी शर्ट एक पहन ली, वो देखो लौंडो में ये होता है, एक टी शर्ट में हम लौंडे पांच दिन निकाल सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती, या मतलब जो भी हैं। अब तहलका अंदर गया, तहलका का क्या है कि तहलका वही मैं कपड़े लेके आया हूँ, तू जूते ले ले, तू टी शर्ट ले ले, तू शर्ट ले ले, भाई वो ठीक है उसका प्रैंक करने का तरीका है या उसके रहने का तरीका, बातचीत का तरीका अलग है, लेकिन अरुण में बहुत एंटरटेनमेंट है और वो देगा आगे भी देगा। चौथा है जी आपका अरुण के बाद में, आ चौथा है जी आपका सनी, तहलका भाई शो ऑफ करता है थोड़ा सा, और तहलका थोड़ा शो ऑफ करता है और थोड़ा है उसमें मतलब वो उसका बातचीत करने का तरीका ऐसा है, या मतलब कि जो भी है ऐसा, वो रियल लाइफ में ऐसा है नहीं, थोड़ा मतलब अपना एक डिस्टेंस बना के रखता है, थोड़ा वो लगता है मोटा ताजी सा, लेकिन उसके अंदर दिल बहुत छोटा है। सच कहूँ तो मुझे वो दिल्ली का लौंडा है, दिल्ली के लौंडों में ऐसा दिल नहीं होता, और उसका दिल थोड़ा मतलब नरम टाइप है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी लड़का अच्छा खेल रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है पर्सनली, लेकिन भाई वो दिल्ली वाली दबंग ही ले गया यार, ये ऐसे अभिषेक को सामने से दे कस के दे,
और घर के अंदर तो खैर हाथ बंधे हुए हैं, खैर अब क्या बोले, लेकिन भाई तू डर डरे मत यार, मेरे को लगता है, लग रहा है कि तू डर रहा है, तो भाई प्लीज डरे मत, दिल्ली का नाम खराब मत करियो यार, बहुत उम्मीद है तेरे से। चौथा है भाई, तीन तो मैंने बता दिए, चौथा नाम है भाई मुनव्वर फारूकी। भाई मैं इस बंदे का फैन नहीं हूं, अभी तक नहीं था, क्योंकि थोड़ा हुआ है मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, या मतलब जो भी कुछ है, मैं मुनव्वर फार आई डोंट लाइक हिम एट ऑल एट एनी कॉस्ट, मैं उसको वोट नहीं करूं, या मतलब मेरी ऐसी था मेरा अंदर पीछे से, लेकिन बंदा मुझे अभी तक डिसेंट लगा, अच्छा खेल रहा है, प्लस मेन चीज क्या है, वो चुगलबाज नहीं है, पीठ पीछे कोई क्या बोल रहा है, आपको क्या बोलना है उसकी जाके उससे, वो विक्की है अंकिता का पति, वो अपना उससे पाप बात ले गया, इससे बात ले गया, ये किया वो, ना भाई मुनव्वर सही जा रहा है, चुगलबाजी नहीं कर रहा है, एक मतलब अलग सारा कुछ, मेरा जो पर्सनली मैटर है, या मतलब कि मैं जो, मुझे उससे हेट है, हेट थी या मतलब है, क्या पता बिग बॉस में चेंज हो जाए मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है, जो जेनुअन है वो जेनुअन है, मुनव्वर बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे पसंद आ रहा है, सच कहूँ तो अच्छा खेल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी निकल गया रही है, मुनव्वर में पेशेंस है, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ टॉप टू में मुनव्वर जरूर होगा, दावे से कह सकता हूँ, जीते या ना जीते वो उसके ऊपर है, लेकिन टॉप दो जो हाथ स्टेज पे खड़े होंगे ना ऐसे साथ में, ऐसे ऐसे हाथ होते हैं उनके ऐसे ऐसे, उनमें से एक मुनव्वर फारूकी जरूर होगा, तो डेफिनेटली इसको, इसका नाम आप नोट कर लो, चौथे नंबर पे ये मुनव्वर फारूकी। पांचवें नंबर पे आते हैं जी अपने बाबू भैया। बाबू भैया का कहना है मेरे भाई कि किसी के फटे में पैर मत अड़ाओ, ज्यादा किसी को ज्ञान दोगे तो सामने वाला सोचेगा कि यार ये तो बड़ा ज्ञानी बन रहा है, और इतना ज्ञानी इसको है नहीं, जितना ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा है, हमने इससे ज्ञान मांगा नहीं, तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसा उनका कहना है। अगर कम किसी को ज्ञान दोगे, या मतलब किसी से कम इन किसी की बात का जवाब नहीं दोगे, या चुप चुप रहोगे, तो भी मतलब आदमी समझेगा ये तो कमजोर है, तो उसकी बात ठीक है, लेकिन बाबू भैया को मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैं भी ब्रोसेना वाला हूं यार, तो एक्चुअली मैं ब्रोसेना वाला भी नहीं हूं, मैंने कभी सब्सक्राइब भी नहीं किया उसको, ना मैंने कभी फॉलो किया किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, और मैं हूँ जिसका फैन हूँ वो उसका दोस्त है, मैं जिसका फैन हूँ वो उसका दोस्त है, और वो जिसका दोस्त है मैं जिसका फैन हूँ, मैं उसका फैन बाद में हूँ भाई, मैं उसको सच कहूँ तो मैं उसमें आप खुद को देखता हूँ, समझ रहे हो ना आप, थोड़ा यूज करो, ठीक है। अब रही बात अनुराग की, अनुराग की मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, देखो मुनव्वर मुझे पसंद नहीं था, ठीक है, मुनव्वर को सलमान खान डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, आप मेरे से लिखवा लो, पूत के पैर ना पालने में, वो हमारे यहाँ कहावत है पूत के पैर ना पालने में दिख जाते हैं, तो सलमान खान ने दिखा दिया, स्टार्टिंग में दिखा दिया सलमान खान ने प्रीमियर पे ही कि हाँ वो मुनव्वर को सपोर्ट करेंगे। अब रह जाता अपना ये अनुराग भाई, इससे उसने ढंग से बात नहीं की है, आप ये बात नोट कर लेना, क्लिप चला चला के देख लेना, बाबू भैया से ढंग से बात नहीं करी है, एक डिस्टेंस बना के रखा है, मुनव्वर को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है भैया। तो पांचवा लिख लो आप अनुराग, पांच आदमी हो गए जी, तो अंकिता, और फिर अंकिता के बाद में अपना अंकिता, सनिया, अरुण में से एक, मुनव्वर, अनुराग, और एक अपना रिंकू धवन, ये पांच मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम नोट कर लेना आप मेरी बात को, छठवां नाम अगर टॉप फाइव में हो जाए तो मेरी गारंटी है, इसी चैनल पे मिलूंगा, इसी चैनल पे आपको जो बोलना, आपका आपको जो बोलना है वो सुनूंगा मैं, 200% लिखित में दे रहा हूँ, ये टॉप फाइव यही होंगे, नोट कर लो आप मेरी बात को। रिंकू धवन का गेम इतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन रिंकू धवन को सपोर्ट जाएगा, अंकिता को भी पूरा सपोर्ट जाएगा, ये भी नोट कर लो। मुनव्वर को का गेम भी अच्छा जाएगा, उसको सपोर्ट भी रहेगा, प्लस उसका गेम भी अच्छा जाएगा, उसकी रेपुटेशन को ऐसे ऐसे कुछ करेंगे बिग बॉस। अनुराग का भी गेम बढ़िया जाएगा, लेकिन अनुराग की रेपुटेशन को बिग बॉस गिरा पाएंगे नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कोशिश की जाएगी, ये नोट कर लो आप। और एक और है आपका अरुण या सनी में से, मैं तो चाहता हूँ भाई अपना दिल्ली का बंदा जाए, कायदे में मेरा दिल से दिल है, लेकिन अरुण कम एंटरटेन नहीं कर रहा, अगर ऑल पैन इंडिया में देखा जाए तो भाई सारा इंडिया हम एक ही हैं, तो वो भी बहुत एंटरटेन, वो तेलका से ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है आज की डेट में, उसकी बातें ऐसी हैं, वो जो हैदराबाद, मेरा एक दोस्त था हैदराबाद से, वो भी ऐसी बातें करता था, वो अच्छी लगती है, ठीक है भाई। बाकी हम
डेली डेली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके आऊंगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेके आओ और बताना फिर जैसा भी हो, ठीक है। चलो चलते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को। और एक बात और बता दूं मैं, अभिषेक या अभिषेक की आपको जो भी मतलब के फैन बेस हो उसका, या जो भी मेरे ख्याल से उसका कोई 100 लोगों से ज्यादा का फैन बेस भी नहीं बनेगा उसका, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कोई वॉर छिड़ रही हो कुछ हो रही हो, तो अभिषेक के फैन बेस को एक मैसेज पहुंचा देना, भाई ये ना सब लोग देख चुके हैं, एक महीने टिक जाएगा ये घर में, मेरे तो शर्त लगा लो आप, मैं सबको 500 रुपए पेटीएम करूंगा अगर अभिषेक एक महीने घर में टिक गया तो। मैं दावे से कह सकता हूँ बिग बॉस की थीम ही ये नहीं है यार, वो समझ ही नहीं पा रहा बंदा। बिग बॉस कह रहा है 16 सीजन में जो हो गया वो हो गया, भाई बंद कर, हमें नहीं देखना आप, ये सारा कुछ हो चुका है भाई। वो सिद्धार्थ शुक्ला बने जा रहा है, कोशिश कर रहा है, पूरा प्लान से आया है उसको, जो है ना वो बच्ची बच्ची लगती है, क्या नाम है उसका वो लड़की का, वो ईशा मालवीय, एक्चुअल में बच्ची नहीं है वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है मैं बच्ची हूँ, ये जी थोड़ा एज में थोड़ा सा 4-5 साल 6 साल बड़ा है मेरे से, लेकिन अभी हम दोनों एक ठीक है, हमारा चल रहा है, कभी लड़ाई कभी झगड़ा, सना और सहनाज गिल और वो सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं, भाई नहीं बन पाओगे। उस बंदे का रिकॉर्ड तो यार, यार हमारा फेवरेट नहीं तोड़ पाया यार उसका रिकॉर्ड तो, ठीक है रिकॉर्ड टूटना एक अलग बात है, लेकिन वो बंदा तो समझ रहे हो कहाँ है। पर तुम यार, तेरा नाम अभिषेक है, सिद्धार्थ थोड़ी ना है, और अभिषेक जिसका नाम होता है ना वो सिद्धार्थ के सामने कहाँ यार, शायद फिर वो शुक्ला हो या फिर यादव। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी में कितनी ज्यादा मतलब गेमर है, कितना ज्यादा क्या है, वो सारा कुछ आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, राम राम।